Good evening, Namaskar. Thank you for joining in for another episode of Carlo.in Presents Saturday Stardom. मैं सुजय गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. हमने पिछले एपिसोड में देखा जतिन आहूजा जी जो बिग बॉय टॉयज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इंडिया के कार किंग, उनकी क्या जर्नी रही और उनके साथ हमने की कुछ बहुत मज़ेदार बातें. अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन 4.0 के बारे में कुछ हिंट्स दिए. सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही वो ये थी जिसे हम बोलते हैं सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता. सो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेफ रहें, कोरोना से सुरक्षित रहें और वोकल फॉर लोकल ज़रूर ध्यान रखें. सबको प्रोत्साहित करें, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल प्रोडक्शन के बारे में ज़रूर सोचें. हमारे आज के गेस्ट हिंदुस्तान के हर घर में मौजूद हैं. ये सिर्फ ना आपको सतर्क करते हैं बल्कि आपको सावधान भी करते हैं, ना सिर्फ कोरोना से बल्कि अपराध और अपराधियों से. मुझे आज भी याद है मैं जब इनसे पहली बार मिला था तो इनसे मैंने पूछा कि ये शो बनाने की आपकी प्रेरणा क्या थी. ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब उनसे अभी जानेंगे जब हम उनसे एक लाइव कॉन्वर्सेशन में जुड़ेंगे. सो प्लीज़ लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम मिस्टर माहिर खान, प्रोड्यूसर ऑफ हिट शोज लाइक दफा 420 एंड द चार्ट बस्टर ब्लॉक बस्टर शो सावधान इंडिया. लेट्स कनेक्ट विद हिम. हेलो माहिर जी, हाउ आर यू? I'm good. How are you doing? I'm doing fantastic. And you are welcome to Carlo.in Presents Saturday Stardom. And हमारे बहुत सारे subscribers और viewers live आपको देख रहे हैं. And they have been hoping आपकी life और journey और आपकी personality के बारे में कुछ जान पाएं. थोड़ा कोरोना lockdown की वजह से सब लोग थोड़े से चिंतित हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं. तो हमने सोचा कुछ ऐसे inspiration लोग जैसे आप हैं, इनके बारे में कुछ जाना जाए तो लोगों को पता लगे कि yes, there is a tough fight, but we always stand a chance to win it. Right. So how is the lockdown treating you? Lockdown is मतलब मेरे लिए तो बहुत एक जरूरी चीज है कि जो आसपास अपने और अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंट्री के लिए एक ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है जिसके, और ये वायरस ऐसा है जिसके जिसका कोई और हल ही नहीं है. सो इसको एंजॉय करना ही एक लौता जरिया है और इसमें खुश रहें, घर पे रहें, दैट इज इट. सो वही मैं कर रहा हूँ. आई कंप्लीटली एग्री विद यू. खुश रहना भी बहुत जरूरी है, सेफ रहना बहुत जरूरी है, अपना प्रोटेक्शन रखना जरूरी है. बट यस, आपने बहुत अच्छी चीज ये बोली कि खुश जरूर रहें, नहीं तो ये सब करने का कोई फायदा ज्यादा दिख नहीं रहा है. करेक्ट. सो आप यू हैव बीन द प्रोड्यूसर ऑफ सम ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग टीवी शोज. हमने दफा 420 काफी देखा है एंड अब तो ब्लॉक बस्टर, चार्ट बस्टर टीवी शो हमारा सावधान इंडिया चल रहा है एंड यू हैव बीन लाइक द गाइडिंग फिगर बिहाइंड इट. So, what is the most important quality you think that a TV producer should have? मतलब, what is the inspiration behind Saavdhan India? What do you think that people should know कि एक TV producer में क्या खूबी होनी चाहिए सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले तो एक जो spark है, जो passion है, वो होना बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए. और खासकर अगर आपको, if you want to be a successful producer, then you have to be very patient, बहुत ही calm and quiet तरीके से दिमाग को रखना पड़ता है. otherwise क्योंकि इतना panic, इतनी panicky situations हो जाती हैं when you are shooting or you are planning for a show or you are pitching it to the channels or portals whatever we have in India या across. so अपने आप को एक ठंडा दिमाग रखना बहुत जरूरी है. okay. और सबसे बड़ी जो चीज है वो है focus. जी. Now, अगर मुझे एक शो पसंद आया है, एक कॉन्सेप्ट पसंद आया है और मेरा फोकस उसके ऊपर पूरी तरह से है कि इस शो को मुझे करना ही करना है, दैट पैशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, दैट फोकस इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल प्रोड्यूसर. और साथ में कुछ नंबर्स का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है. जी, 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 जी. जो
जो एक एक बड़ा काम प्रोड्यूसर का होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी टीम को साथ में लेके चलते हैं जो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो टेलीविजन हो या फिल्म हो, तो सबका साथ रहा, एक अच्छी टीम बनती है, तभी एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर होता है। राइट, तो ये आपने जैसे बोला कि एक अच्छी फिल्म बनती है तभी एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर होता है, तो वैसे जैसे एक इंस्पिरेशन जो आपको आती है वो किस तरह की एक स्क्रिप्ट से आती है? व्हाट इज द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट दैट यू लुक एट? मतलब एक आता ना एक स्पार्क आ जाता है कि भाई ये स्क्रिप्ट तो मतलब दिस इज समथिंग दैट आई कैन गेट इंप्लीमेंटेड फ्रॉम माय टीम एंड इट विल बी समथिंग दैट विल बी इन डिमांड। व्हाट इज द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट दैट यू लुक एट? देखिए, स्क्रिप्ट या कॉन्सेप्ट की बात करूं अगर, तो जो पहले 3 मिनट में समझ में आता है और वो आपको क्लिक कर गया एज अ प्रोड्यूसर और एज अ क्रिएटिव, एज अ डायरेक्टर और एज अ एक्टर ऑल्सो, तो वो 3 मिनट में ही वन पेजर जो होता है उसी में आपको डिसाइड करना होता है कि यू वॉन्ट टू डू दिस प्रोजेक्ट और नॉट। फर्स्ट, सेकेंडली जो मैं देखता हूँ उस सबसे पहले मैं रिलेटेबिलिटी देखता हूँ कि कितना रिलेट कर रही है ये स्क्रिप्ट, ये कंटेंट कितना रिलेट कर रहा है ये ऑडियंस को, अगर मैं दे रहा हूँ तो इससे क्या मिलेगा, यू नो। देन सेकेंडरी फिर वो जो टीआरपी गेम है, टीआरपी पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट दीज डेज, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, किस तरह का मूड है कंटेंट को देखने का। तो मेरे लिए पर्सनली अगर मुझसे पूछें तो मैं क्राइम जॉनरे जो है इज वन ऑफ माय फेवरेट, बिकॉज उसमें बहुत कलर्स होते हैं, यू नो। आप क्राइम को लिमिटेड क्राइम्स होते हैं लेकिन आप उनको कितनी अलग तरह से दिखा सकते हैं, तो उसमें मुझे एक कहते हैं ना एक मजा आता है वो करने में। नाइस। तो मतलब अगर जैसे आपने अभी बताया कि जो करंट चल रहा है, या अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आर यू प्लानिंग टू प्रोड्यूस एनी सीरीज और फिल्म ऑन द कोरोना वायरस और लॉकडाउन, कुछ ऐसा चल रहा है? आई एम श्योर, फॉर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है। और देखिए, एक एज अ कंटेंट मेकर एक मेरा फर्ज भी है ये कि जो कुछ इस पूरे वायरस के चलते पूरी वर्ल्ड अफेक्टेड है इससे, और खासकर हम इंडियंस तो बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं, उतना इफेक्ट नहीं हुआ है जितना और कंट्रीज में अक्रॉस हुआ है, तो एज अ कंटेंट मेकर एक मेरी जिम्मेदारी भी है कि एक अच्छा कुछ क्रिएट करूँ इसके ऊपर। Right. जो के, और ये एक हिस्ट्री भी है, तो अब जो हमारा वर्ल्ड है वो प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना में डिवाइड होगा, इसी तरह से हमारी इंडस्ट्री भी इसी तरह से हमारी इंडस्ट्री भी है जो प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना में अलग अलग डिफरेंस देखा जाएगा उसका। तो इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ डेवलप, मेरी टीम डेवलप कर रही है। Okay. और कुछ अच्छा कंटेंट जरूर जल्दी मैं आपके साथ भी आगे शेयर करूंगा जब तैयार होगा वो। आई एम श्योर हमारे सब्सक्राइबर्स और जो लोग लाइव अभी देख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक होंगे और वेट करेंगे एक और सुपरहिट ब्लॉकबस्टर सीरीज या फिल्म आपके एंड से कोरोना पे आती हुई। माहिर जी, मैं आपसे, अब हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है विच इज कॉल्ड वन वर्ड वन लाइन आंसर। आवर सब्सक्राइबर आर मोर देन ईगर टू नो एंड अंडरस्टैंड व्हाट माहिर खान इज एक्चुअली ऑल अबाउट, व्हाट इज हिज जर्नी, व्हाट ही थिंक्स इन स्मॉल बिट्स एंड पीसेस। आई वुड रिक्वेस्ट यू ये वन वर्ड वन लाइन आंसर में छोटे छोटे आंसर आप क्विकली दीजिए, जस्ट लाइक अ रैपिड फायर। तो माहिर जी, आर यू अ कॉफी ड्रिंकर और अ टी ड्रिंकर? I love tea. Okay. And what is the biggest myth about your lifestyle? Myth about my lifestyle? Usko pass karna padega, I think. Okay. And what's your favorite cuisine? What do you like to eat the best? What's your favorite? So, Mughlai. Mughlai khana mujhe anytime. Kabhi bhi khela. Okay. And what's your favorite sport? I like every sport. मुझे सारे बहुत पसंद हैं, चाहे वो इंडोर हो आउटडोर हो। कुछ ऐसा क्रिकेट में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा। कंपैरेटिवली। ओके। और क्रिकेट ही मैं खेलता आया हूँ। इनफैक्ट अभी भी खेलता हूँ कभी-कभी जब वक्त मिलता है तो। So I like cricket more. One person that you admire the most?
ये वन पर्सन दैट आई एडमायर द मोस्ट, ये स्पेसिफिकली मैं हमारी इंडस्ट्री है या मैं किसी को anyone that you really admire and you really have the real respect for that person? So I must say our Prime Minister. Okay. Mr. Modi. All right. जिस तरह से वो पूरा कंट्री को, ये मैं पॉलिटिकल नहीं, दिस इज माय पर्सनल चॉइस, आई लाइक हिम एज अ स्पीकर, आई लाइक हिम एज अ पर्सन, एज अ लीडर, सो आई एडमायर हिम. वेरी नाइस. एंड व्हाट इज वन थिंग दैट यू डिसलाइक अबाउट योरसेल्फ? अबाउट माय माइसेल्फ, यस, आई एम वेरी शॉर्ट टेंपर्ड सम टाइम, एट टाइम्स आई एम शॉर्ट टेंपर्ड. वेरी गुड टीम जो मेरा साथ देती है, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर हूँ जो कुछ भी हूँ, और उन पर कभी कभी गुस्सा करना भी पड़ता है, चीजें अगर ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन ये है कि थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ तो मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता है. एंड व्हाट इज समथिंग दैट यू आर रियली प्राउड अबाउट योरसेल्फ? अबाउट मायसेल्फ, आई एम वेरी फोकस्ड, और मुझे कुछ करना है तो करना है. दैट आई नो पर्सनली आल्सो दैट यू आर रियली फोकस्ड. यस यस, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट आंसर ऑफ योर्स. हु इज योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन? Biggest inspiration. So, देखिए इसमें दो तीन आंसर होंगे. एक तो मैं नहीं दे सकता हूँ, एक तो मेरे फादर हैं, because my father is also a very senior producer, आप जानते हैं. जी जी, मैं बहुत. तो एक मेरे लिए वो हैं. हाँ, और mainly मैं उन्हीं को कहूँगा. My father is my inspiration. Yes, yes, yes. And he's inspired a lot of other people also. And he's a very senior producer in this industry. So we all take him as an inspiration for us as well. And apart from your shows, what is your favorite other TV show that you really like as a content, also as something that has been produced very well? Any favorite TV show or a movie that you really like? I like quite बहुत सारे ऐसे शोज हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ, खासकर जो कॉमेडी शोज हैं. एक मेरा one of my favorite is सारा भाई versus सारा भाई. जी जी. And खिचड़ी बोल सकते हैं, is one of the biggest hit we have. Films में बात करें तो I like शोले. शोले एक ऐसी फिल्म है जिसको आप जितनी बार देख लें वो हर बार आपको नई लगेगी. True. It is one of my favorite. Right. And what motivates you? What motivates me? जो सुबह 6 बजे उठकर और अगले दिन 4 बजे हम जब पैकअप करके जाते हैं वो जो मजा आता है तो वो ही मोटिवेट करता है. आपके लिए मोटिवेशन होता है, I'm sure. So, नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे पैशन है कंटेंट मेकिंग का, और मुझे अच्छा अच्छा जो कंटेंट क्रिएट करना वही मुझे मोटिवेट करता है. फिर मेरे साथ मेरी टीम है, माय फैमिली इज देयर, तो वो सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं टू डू सम गुड वर्क, टू क्रिएट सम गुड वर्क. वेरी नाइस. And amongst these young actors today that you see, who's one of your most favorite actor or actress that you think that probably in Bollywood as well and in TVs, who do you think is your favorite TV actor or actress? TV actor. What is it? TV mein to bahut sare log acche hain. Bollywood, anyone. Okay, so Bollywood mein I like Ranbir Singh a lot. He is a superb actor. Okay. Wo ha TV mein to sare hi acche hain. Main kisi ek ka naam nahi lunga. Sabhi log mere sath kaam karte rahe hain.
So they all are good. Okay. Okay. Any favorite travel destination? Travel destination. Okay. So I like wildlife. Jungle mein mujhe chhod do. I am more than happy. Okay. Peace and tranquility ke liye, I'm sure. right. So I like wildlife a lot. मुझे जब भी मौका मिलता है, टाइम मिलता है, मैं जितने भी जंगल हैं अक्रॉस, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट जंगल इज कॉबर्ट पार्क. ओके. तो मैं हर थोड़े दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वहां भाग जाता हूं. वेरी नाइस, गुड टू नो. नाउ दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल क्वर्की. इफ यू वर गिवन अ चांस टू गो ऑन अ डिनर डेट विद थ्री पीपल, हु वुड दैट बी? Okay. हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, लेकिन कुछ तो इसको भी आई थिंक पास करना चाहिए. इसमें जो तीन लोगों का है ना, इसको मुझे लगता है इसको पास कर देना चाहिए. पास कर देना, ठीक है, ठीक है, no worries. So that is the end of our segment of one word one line answer. But how do you, just generally asking, how do you set deadlines for a project? Are you that person who sets deadline and very strict ones, or do you want the content to come out the way you have planned it to be? So deadline to for sure hoti hai, because if you are doing something, you are producing a show for a TV. Right. Then you have to meet those deadlines. उसके बिना तो नहीं हो सकता. अगर आपका शो ऑन एयर है और आपको डिलीवर करने हैं एपिसोड, तो आपको डेडलाइंस तो मीट करनी है हर हाल में. बट मैं प्रोड्यूसर होने के साथ साथ आई एम वेरी मच क्रिएटिवली इन्वॉल्व. सो मुझे एक भी शॉट अगर खराब लग रहा है या एक भी कोई ऐसी चीज लोकेशन है या वॉट एवर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, राइट, तो मैं बिल्कुल भी उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ. चाहे एक घंटा दो घंटा और लग जाए, बट आई नीड दैट क्वालिटी प्रोडक्ट टू बी डिलीवर्ड. तो डेडलाइन तो ऑफ कोर्स टेलीविजन में तो डेडलाइन का ही खेल है. विदाउट इट आप कर ही नहीं सकते. राइट. सो पोस्ट दिस कोरोना, जैसे आपने मेरे को पहले भी बताया कि थोड़ा सा इंडस्ट्री एक प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना की तरफ चलेगी, आपको क्या दिख रहा है? What is the way forward? And I mean, what do you think how industry is going to mold and shape itself post corona? काफी सारे changes आने वाले हैं जो मुझे लगता है. जिस तरह का हमें 2 महीने तो हो गए हैं, सब कुछ बंद है almost. जी. तो जो changes आने वाले हैं, जो shooting restart होंगी, चाहे वो films हो, टीवी हो या वेब हो, उसमें बहुत ही छोटे यूनिट के साथ काम करना पड़ेगा. बिकॉज ये वायरस अभी जल्दी तो जाने वाला है नहीं, तो हमें इसके साथ ही काम करना होगा. बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. नंबर ऑफ जो क्रू है वो बहुत छोटा रखना पड़ेगा, जिससे कि ये इफेक्ट ना करे हमारे ऊपर. और कहीं ना कहीं आप देखिए, कंटेंट तो सफर नहीं होगा, कंटेंट तो वैसे ही डिलीवर होगा जितना अच्छा पहले हुआ करता था. right. या हो सकता है और भी अच्छा डिलीवर हो, क्योंकि लोगों ने बहुत कुछ क्रिएट किया है. इस लॉकडाउन ने लोगों को टाइम दिया खुद के लिए. क्रिएटिव जो लोग थे उन्होंने बहुत सोचने का मौका मिला, जो अमूमन जो हमें नहीं मिलता था. right. तो कंटेंट अब हम पोस्ट कोरोना बहुत अच्छा देखने वाले हैं. बस ये है कि हमें शूटिंग्स और बाकी जो अपनी वर्किंग है वो थोड़ी अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस प्रिकॉशन लेकर वही करना पड़ेगा. ओके. सो अगर एक आखिरी सवाल आपसे मैं आज के सेशन का पूछना चाहूंगा, इफ यू कुड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, वुड यू टेक द सेम करियर पाथ और वुड यू हैव अ डिफरेंट पाथ? कभी ऐसा सोचा? नो. हाँ, नहीं, बिल्कुल सोचा. मैं हमेशा, मुझे रहना फिल्म और कंटेंट मेकिंग में ही है, तो अगर मुझे फिर से भी स्टार्ट करना पड़ेगा तो मैं अगेन आई विल स्टार्ट इट दोबारा और इसी रास्ते पे चलूंगा मैं जिस पे. राइट महेजीत, क्योंकि देखिए ये हमारी जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री पैशन ड्रिवन है. राइट. अगर इसमें आप में वो स्पार्क नहीं है, वो पैशन नहीं है,
तो इस इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. यू नीड दैट यू नो जोश होना चाहिए कि ये करना है. तो जितने भी बड़े स्टार्स हैं, जितने भी बड़े मेकर्स हैं, कंटेंट मेकर्स हैं, या कोई भी इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ इंसान है, उसमें वो पागलपन, वो पैशन जब तक नहीं होता है, तब तक वो सक्सेस नहीं मिलता है जो जिसकी हम सबको तलाश होती है. ओके, राइट. So, I would now like to thank you, Mahir ji, for connecting with us. हमारे subscribers ने बहुत enjoy किया. ये काफी सारे comments और questions भी आ रहे हैं आपके लिए. And I will personally make sure ये सारे questions जो हमारे subscriber अभी पूछ रहे हैं, ये Mahir ji तक जरूर पहुंचे. Mahir ji उनके personally जवाब देने में हमेशा विश्वास रखते हैं. And please like, share and subscribe if you like this video. एंड आप जरूर से सब्सक्राइब करिए कार्लो का चैनल अभी के अभी. एंड आपको ऑफकोर्स मुझे ये बोलने की कोई जरूरत नहीं है वैसे तो कि सावधान इंडिया देखते रहिए, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम आप लोग सावधान इंडिया देखते ही हैं. एंड थैंक यू माहिर जी, थैंक यू अगेन फॉर कमिंग एंड एक्चुअली शेयरिंग सो मच अबाउट योर सेल्फ. थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी. और मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ अपने नए शोज के साथ दोबारा मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पर आऊंगा और हम फिर से कुछ अच्छी बातें शेयर करेंगे. I am looking forward to that very soon. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Stay safe. Take care. Right, sir. Bye bye. So this was Mr. Mahir Khan, producer at Mahir Films and Savdhan India, in conversation with me, Sujay Gupta, on Carlo.in presents Saturday Stardom. I am signing off for now. बट नेक्स्ट वीक मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट को लेकर आऊँगा जिनके साथ हम करेंगे बहुत सारी मज़ेदार बातें. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें. और हाँ, carlo.in के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. टिल देन आई होप एंड आई प्रे दैट यू स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड एंड टेक केयर. नमस्कार.